राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए बुधवार की देर शाम जिला के अधिकारी सड़कों पर उतरे और महदीपुर एरिया में भीषण चेकिंग की। इस मौके पर मंडलायुक्त अमित गुप्ता, आईजी जय नारायण सिंह, डीएम के विजेंद्र पांडियन, जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों ने लोगों से बात की और राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों में अपना सहयोग देने को कहा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी जय नारायण सिंह और कमिश्नर अमित गुप्ता ने कहा, लेकिन ये आपका ये पूरा जैसा ये अब आपके दुकान अंदर में अगर बना सको यहाँ नहीं तो कुछ आगे कुछ कर लें अबे 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 भैया, एसपी साहब भागते बहुत के इसी क्रम में जाते हैं। जो शहर में अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है। पर्याप्त पुलिस बल परिक्षेत्र से और जून से भी जो है दिया जा रहा है। 5 कंपनी PSC भी जो है इस मौके मौजूद रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल ट्रैफिक व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा हम आपको ये भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी जनता के लोगों को भी जो है कोई किसी को जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। बस लोगों से यह सहयोग अपेक्षा की जा रही है कि इस जो रोड है इसमें जो अतिक्रमण है खुद अपने से लोग जो है सहयोग करके इसको हटा लें। देखिए इस बार हम यही कोशिश करेंगे और लोगों से भी यह अनुरोध करेंगे कि इस जगह इसमें सहयोग करें और प्रशासन पूरी तरह से इस बार सख्त है, किसी भी रूप से पुनः अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए। अभी विशेष रूप से जाते हैं ये जो आपका मेन रूप है इस रूप पर ही किया जा रहा जाता है और उसके बाद जो है यह पूरा प्रक्रिया जो है भविष्य में अन्य रूट पर भी जो है जारी रहेगी। मुख्य रूप से निरीक्षण का उद्देश्य के रोड निर्माण अधीन है जिसमें कई गाँव का सामंजस्य की बात होती है और निर्माण कार्य चलने से लोगों को समस्याएं भी आती हैं, वो सब देखना और पैदल दर्ज करते हुए और चुने जाना अतिक्रमण है उसको देखना। इसके बाद जो महामहिम राष्ट्रपति जी का भ्रमण कार्यक्रम है उसके दृष्टिगत भी रोड व्यवस्था क्या रहेगी वो जो संबंधित अधिकारी उनको सारा क्योंकि इसमें लगातार प्रयास करते रहना पड़ता है। कई बार अतिक्रमण हटाया जाता है, चीज़ें देखी जाती हैं और अगर सतत उसकी मॉनिटरिंग ना हो तो फिर वापस पुराने पर आ जाता है। तो इसका समाधान तो यही है कि एक बार अगर कुछ किया जाए तो फिर उसकी सतत मॉनिटरिंग हो, उसकी जिम्मेदारी दी जाए लोगों को, उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाए जिससे पूरा पुनः वो चीज़ ना हो पाए। लेकिन फिर भी इस सब कामों में सतत प्रयास करते रहने की आवश्यकता होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने परसों भी उसके 3-4 दिन पहले भी कई सड़क हुई और जो तो हमारे आ रहे हैं तो विशेष रूप से हम लोग और सजग करते हैं लेकिन हम लोग लगातार घूमते रहते हैं।